तो भी गाइस फिलहाल शाम की चाय पी रहे हैं मस्त, इसके बाद चलते हैं जूसा की साइकिल लेने। आज का व्लॉग कौन स्टार्ट करेगा? मैं करूंगा। करो फिर। तो ये गाइस वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो आज हम टोयोटा जा रहे हैं। टोयोटा क्यों जा रहे हैं? थार फॉर्च्यूनर देने के लिए। क्या आदमी है, कोई कह रहा महिंद्रा जा रहे हैं फॉर्च्यूनर देने, अब कह रहा है टोयोटा जा रहे थार देने। थार देने जा रहे नहीं, फिर फॉर्च्यूनर क्यों क्यों देना है? उसने ना सर्विस करानी है। हां सर्विस करानी है। तो गाइज वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं टोयोटा, बिकॉज फॉर्च्यूनर की पहली सर्विस होगी, उसके 10,000 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं। तो हमको नेक्स्ट ट्रिप पे निकलना है, उससे पहले हम उसकी सर्विस करा लेते हैं। बाय द वे आज है संडे, इसीलिए पीयूष और कुनाली स्कूल नहीं गए हैं, और फिलहाल अभी हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो आज खाने में है मस्त दाल चावल, खीरा और अचार और सेब और चटनी। कुनाली आपकी फेवरेट कार कौन सी है, महिंद्रा या फॉर्च्यूनर या टोयोटा? कौन सी फेवरेट कार है आपकी? मेरी है थार। थार है? फॉर्च्यूनर नहीं पसंद आपको? इनोवा भी नहीं पसंद? इनोवा नहीं पसंद? क्यों? थार क्यों पसंद है? थार में ना थार खतरनाक सी लगती है मेरे को। थार खतरनाक सी लगती है। तो मम्मी और पापा तो गांव में गए, मम्मी पापा तो है नहीं, चाचा चाची हैं यहाँ पे, तो घर में एकदम शांति सी हो रही है। बॉडी बिल्डर में। बॉडी बिल्डर हो? बॉडी कहाँ है आपकी, दिखाना बॉडी दिखाना। तो आपने कपड़े क्यों उतारे? तो चलो गाइस चलते हैं फॉर्च्यूनर की फर्स्ट सर्विस कराने के लिए, और थार भी लेके जा रहे हैं, बिकॉज फॉर्च्यूनर में वहाँ पे दे आऊंगा, थार में हम वापस आ जाएंगे। गरम हो रही है सीट, पिछवाड़ा जल गया मेरा। पिछवाड़ा क्या होता है? जल गया मेरा, मैं तो खड़ी रह रहा हूं। तो साहिल और पीयूष तो आ रहे थार में, दो भाई थार में, दो फॉर्च्यूनर में। गायब हो जल्दी चलो। पीयूष दादा और साहिल दादा तो आगे निकल गए। तो आगे निकल गए तो मिलेंगे एक ही जगह पे। हमें आगे निकलना। हमको तो सर्विस करानी है, हम तो सर्विस वाले पे जाएंगे। टोयोटा तो पहुंच चुके हैं, तो गाड़ी इनको दे दीजिए सर्विस के लिए, तो गाड़ी ले लेंगे दो तीन दिन में, और ठुक भी गई थी तो वो भी ठीक करानी है। अब हम जाएंगे थार लेके, कल हमको निकलना है कहीं पे, तो थार लेके जाएंगे। बाय बाय फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर जा रही है गाइस। तो चलो अब चलते हैं थार लेके, और कुछ शॉपिंग भी करनी है वो भी कर लेंगे। 200 लाख का सामान लूंगा। कितने का? 200 लाख। तो गाइस सामान भी ले लिया, अब चलते हैं। चलो गाइस मेरी बात सुनो ध्यान से, मेरी भी जान जा सकती है, आपकी भी जान जा सकती है। कुछ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। सबसे पहली चीज़ मैं ये कहता हूँ कि रोड पे मुझे फॉलो मत किया करो, मैं अगर गाड़ी में हूँ बाइक में हूँ तो इस चीज़ को फॉलो मत किया करो, बिकॉज बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं और डेली हो रहे हैं कि मैं अपनी गाड़ी पे जा रहा हूँ और बाइक पे स्कूटी पे काफ़ी लोग फॉलो करते हैं और वो गिर जाते हैं, और ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है। एक तो रपट गया था कुछ दिन पहले, और एक परसों की बात है कुछ दिन पहले की, मतलब दो जने आए थे तो वो कह रहे थे कि गिरे हुए थे। मैं कहा ये क्या होगा, कह रहे आप एकदम से आपको दिखे एक्साइटमेंट, एकदम मोड़ने लगे और गिर गए मेन रोड पे, ठीक है। और ऐसे रोज मुझे एक्साइटमेंट में देख के ऐसे फॉलो करते हैं, ऐसे ओवरटेक करते हैं। प्लीज़ गाइस इस चीज़ को मत करो, इस चीज़ को अवॉइड करो, बिकॉज रोड पे कुछ भी हो सकता है। मेरे को देख के आप एकदम से एक्साइटेड हो जाते हो, इस चक्कर में मेरी गाड़ी पे भी लग जाती है, ठीक है। परसों बाइक वाले से भी लगी थी, एक बार मेरे साथ में भी हुआ, मैं ही बचाऊँ। पूरी फैमिली साथ में था, सब्सक्राइबर आए, वो हाई कर रहे थे, मैं भी उनको हाई करने लगा और आगे एकदम से गाड़ी आ गई, मेरी पूरी फैमिली साथ में, और एकदम से गाड़ी आ गई, मैंने एकदम से कंट्रोल की, मैं इतना डर लगा यार, मैं कहीं अब बच गया भाई बच गया, नहीं तो ठू जाती उस दिन पूरी फैमिली साथ में, सब्सक्राइबर को हाई करने के चक्कर में। रोड पे हमको फॉलो मत करो, रोड पे रुकने के लिए मत बोला करो, बिकॉज ट्रैफिक हो जाता है। अगर मैं एक जगह के लिए रुकूंगा फिर सब देख के सब ट्रैफिक हो जाता है, फिर कई बार पुलिस वाले ने मुझे डांटा है इस बारे में। और दूसरी चीज़, प्लीज़ गाइज घर पर मिलने के लिए मत आओ, प्लीज़ कितनी बार रिक्वेस्ट करी लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, प्लीज़, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि सिर्फ आप लोग आ रहे हो, ऐसा नहीं है। कहीं बाहर मैं आपको मिलता हूँ, पब्लिक प्लेस भी जहाँ घूमने आता हूँ वहाँ मैं अच्छे से मिल लेता हूँ, आपको वीडियो में भी दिखाता हूँ, बट प्लीज़ गाइस घर पे मत आओ प्लीज़। तो अभी फिलहाल पीयूष कर रहा है अपना होमवर्क, तो उसका थोड़ी हेल्प करते हैं। इसमें तो ये कलर यूज़ कर। अरे भाई कहाँ चल रहा है, क्या चल रही मैगी पार्टी? ए भाई देखो गाइस आज पकड़े गए, मेरे को सिखाते कि मैगी नहीं खाते, ये नहीं करते वो नहीं करते। आज देखो पानी उबाल रखा है, ये रहे मैगी के पैकेट। तो मन कर रहा है भाई, ये कच्ची मैगी भी खा रही है। थैंक यू, मेरी प्लेट बन गई है। छोड़ दे मेरे को भी कांटा और चम्मच दो। यहाँ पे क्यों छुप रहे हो? छोड़ दे, मैं कुछ आपकी बात बताऊं, फिर आप कुछ करोगे तो नहीं? नहीं बताओ बताओ। नहीं डर लग रही है। बताओ 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 क्या किया? मैंने आपके ना कुछ चुरा लिया। आपने चुरा लिया? हाँ। क्या चुराया? कुछ जो आपके डबल है वो चुरा लिया। क्या चुराया? सिक्के। हैं? सिक्के चुरा लिया के। वापिस दो। नहीं मेरे है वो, मेरे है वो, मैं के दूंगा। आपने चुराया क्यों फिर? आपने चुराया क्यों? फिर मेरे को बहुत सारे चाहिए थे। मैं आपको और दूंगा, मेरे को वो दो वापिस। नहीं मैं मम्मी को बोलूंगा इसने चुराया है।
तो कुनाली ने इसके अंदर सिक्के छुपाए हैं। बच्चों को इसी चीज का क्रेज होता है ना। ओ भाई इतने सारे इकट्ठे कर लिए। तो भी गाइस फिलहाल शाम की चाय पी रहे हैं मस्त। इसके बाद चलते हैं यूजा की साइकिल लेने, साइकिल देखने के लिए, बिकॉज अभी फाइनल करनी है ना, कल देखेंगे। क्योंकि इसको बर्थडे गिफ्ट दिलाना था ना, इसने बोला था बर्थडे गिफ्ट, बर्थडे तो गया लेकिन अभी तक नहीं दिला पाए थे, तो आज टाइम में देख के आते थे कौन साइकिल लेंगे, तो देखते हैं कौन सी फाइनल होती है। बाकी आप भी सजेस्ट करना। पहले महिंद्रा जाना है थार धुलाने के लिए, पहले थार धुलाएंगे उसके बाद जाएंगे साइकिल शॉप में। तो अभी गाइस महिंद्रा तो पहुंच चुके हैं, अब यहाँ पे हमारी थार धुलेगी, यहाँ पे खाली पड़ा देखो। तो हम चारों भाई आए हैं। थार तो ऐसे दिख ही नहीं रही, कैसे देखो। थार पीछे धुल रही है, पीछे धुल रही है थार, हाँ पीछे वहाँ जहाँ पे धुलती है। तो गाइस मस्त चमक चुकी है अपनी थार। और अब वैसे भी पीयूष ब्लॉग में कमी आएगा, थोड़ी बहुत वीडियोस बनाएगा गेमिंग और अपना पढ़ाई पे ध्यान देगा बस, और साइकिलिंग करेगा। तो ये पहली शॉप पे पहुंच गए हैं, एक्साइटेड बहुत ज्यादा। तो अभी हम आए हैं पैडल ग्रीन, कलर तो ये अच्छा लग रहा है। इसके टायर पतले हैं, इसके टायर मोटे हैं। बाकी आप सजेस्ट करना गाइस, पतले टायर अच्छे होते हैं, मोटे टायर अच्छे होते हैं, गियर वाले अच्छे होते हैं, बिना गियर वाले अच्छी होती है, अभी तो हम देख रहे हैं बस। तो गाइस यहाँ से तो हमने साइकिल देख ली है, अब चलते हैं दूसरी जगह पे, वहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे एक पसंद आई है, तो अब हम जा रहे हैं फायरफॉक्स के शोरूम में। सो गाइस अभी फाइनली फायरफॉक्स के शोरूम तो पहुंच चुके हैं, यहाँ पर हमने थार पार्क लगा दी। रो क्यों रहे हो, रो क्यों रहे हो, रोते नहीं है, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। हाय। सो गाइस अभी हम घर जा रहे थे, रास्ते में हमको मोमोज दिखे, तो हम रुके हैं अपने फेवरेट मोमोज खाने के लिए। तो भी गाइस मोमोज तो खा लिए हैं, अभी फिलहाल आइसक्रीम लेने के लिए गए हैं पीयूष, साहिल और कुनाली तीनों के तीनों, और हमने पैक भी करा लिए मोमोज चाची चाचा के लिए। कौन सी आइसक्रीम लाए? तो भी गाइस घर पहुंच चुके हैं और चाची यहाँ पे खाना बनाए। चाची पीयूष साइकिल दिखाए, पीयूष साइकिल। गाइस आप कमेंट के बताएं कौन साइकिल अच्छी होती है, गियर वाली बिना गियर वाली, कौन से ब्रांड की, तो वही हम लेंगे। तो भी गाइस फिलहाल डिनर करते हैं, करेला रोटी। तो भी खाना हो चुका है, फिलहाल एडिटिंग स्टार्ट करते हैं, दो लोग एडिट करने हैं। तो भी गाइस एडिटिंग भी कंप्लीट हो गया, फिलहाल अब मैं पैकिंग करूंगा। आई होप आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट कर बताना कौन सी साइकिल बढ़िया रहेगी पीयूष के लिए, तो जो भी आप सजेस्ट करोगे उस हिसाब से देख लेंगे। तो फिलहाल इसको एंड करता हूं, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमरिया लॉली पॉप लागेलू, कमरिया ओहो कमरिया लॉली पॉप।